नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो कर्नाटका से है, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी JDS ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से पूर्ण जनादेश मांगा था जो नहीं मिला, फिर कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया और आज वो CM कांग्रेस के कृपा से हैं। आपको बता दें कि आज कुमार स्वामी दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। और मिड डे की जो दूसरी सबसे ताजा खबर आ रही है वो आंध्र प्रदेश से है, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पर आयोजित तेलुगु देशम पार्टी के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न देकर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है और आने वाले चुनाव में मतदाता इसका बदला जरूर लेगी। और मिड डे की जो तीसरी सबसे ताजा खबर आ रही है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के जीत का सिलसिला अगले आम चुनाव में भी नहीं थमेगा और राजग बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। और मिड डे की जो चौथी सबसे ताजा खबर आ रही है वो पाकिस्तान से है, जहां ISIS पूर्व चीफ असद दुर्रानी ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार कोई कार्रवाई करती है तो इसका खामियाजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में दुर्रानी ने एक बुक के जरिए PM मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने दुर्रानी को तलब किया है। और मिड डे की जो पांचवी सबसे ताजा खबर आ रही है वो सोनिया गांधी के इलाज को लेकर है, जहां सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ मेडिकल जांच के लिए रविवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गई। वहीं विदेश रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सोनिया जी की वार्षिक चिकित्सा जाँच के लिए उनके साथ कुछ दिनों के लिए मैं भारत से बाहर रहूंगा और भाजपा के सोशल मीडिया ट्रॉल समूह के मेरे दोस्तों ज्यादा परेशान मत होना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और मिड डे की जो छठी सबसे ताजा खबर आ रही है वो भारत पाक रिश्तों को लेकर है, जहां भारत ने पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर दिए आदेश पर पाक अधिकारी सैयद हैदर शाह को खरी कोटी सुनाते। और मिड डे की जो सातवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर है, जहां जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN बोहरा ने सतीश चंद्र धवन सरकारी कॉलेज के वार्षिक दीक्षांत समारोह में कहा कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और शिव भक्तों को यात्रा के दौरान किसी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पवित्र अमरनाथ यात्रा 28 जून से प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाए हैं। और मिड डे की जो आठवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो मध्य प्रदेश से है, जहां CM शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के दौरान श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क, पुल, पुलिया, कॉलेज और अस्पताल तो सरकार बनाती है, लेकिन गरीबों के जीवन में उजाला लाना ही हमारे सरकार का लक्ष्य है। और मिड डे की जो आठवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो IPL 2018 को लेकर है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार लगातार IPL खिताब अपने नाम किया है। और मिड डे की जो दसवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो बॉलीवुड से है, जहां बॉलीवुड की लवली गर्ल दीपिका पादुकोण ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए हामी भर दी है। हालांकि अभी तक फिल्म का टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन की तरह होगी। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।